सपा सदस्यता अभियान की शुरुआत मंगलवार को अखिलेश यादव ने की। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय पर उन्होंने खुद भी सदस्यता की पर्ची कटवाई। उन्होंने भाजपा के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर कहा कि सरकार की पोल खुल चुकी है, डिप्टी सीएम से बिना पूछे उनके डिपार्टमेंट में तबादले हो रहे हैं। उन्होंने छापेमारी की मगर कार्यवाही नहीं कर पाए। इसे साफ है कि इस सरकार में कुछ ताकतें हैं जो पीछे से सरकार को चला रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता थी तब वह अपने विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगाती थी, उसी रास्ते पर भाजपा भी है। महाराष्ट्र में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां ईडी की सरकार है, भाजपा इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय से सपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, सदस्यता के जरिए हर वर्ग के लोग पहुंचेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए सपा आगे आ रही है, वहीं हम लोगों से सहयोग मांगेंगे। भाजपा से परेशान लोग हमारे साथ हैं, हम शहरों के साथ साथ गांव तक भी पहुंचेंगे। सदस्यता अभियान के बाद कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।